नमस्कार दोस्तों, रामान एस्ट्रोलॉजर फ्रॉम चंडीगढ़। आज का हमारा जो विषय है वो है मूंगे के ऊपर नेक्स्ट एपिसोड। देखिए, मूंगे के ऊपर लास्ट ट्रेंगुलर मूंगा, कैप्सूल मूंगा और नॉर्मल मूंगे के ऊपर, व्हाइट के ऊपर मेरे एपिसोड आए हुए हैं। अब ये जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, एक तो डेमो आप देखिए, इसे ध्यान से देखिएगा। यह है इटालियन मूंगा और ये गोल है, आप इसे देखिए, ये राउंड शेप में आता है। अगर आप प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं, अगर प्रॉपर्टी में आपको सफलता हासिल नहीं हो रही है, तो मैं बोलूंगा कि आप इसे जरूर धारण करें। इसकी जो ग्रेविटी है 2.72 ग्रेविटी है, दिस इज द हाईएस्ट ग्रेविटी स्टोन। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर मंगल कहीं पे भी बैठा हो, एक तो होता है कि त्रिकोण के अंदर बैठा हो तो त्रिकोणा मूंगा डालना पड़ता है, इसमें मंगल किसी भी बॉक्स में बैठे हो, 6, 8, 12 में भी हो तो भी ये डाला जा सकता है। हाँ, एक चीज और इसी के साथ मैं बता देना चाह रहा हूं कि अगर मांगलिक दोष भी हो तो भी ये डाला जा सकता है। अब इसके और क्या क्या फायदे हैं वो आप समझ लीजिए। देखिए, सबसे पहले ये मैं आपको क्लियर कर दूं कि मेरे लास्ट एपिसोड्स में भी मैंने बोला है कि मूंगा कोई भी आप रत्न कोई भी लीजिए, उसमें कम से कम उसका लैब टेस्टेड जरूर होना चाहिए। लोग ऐसे ही ले रहे हैं विदाउट लैब टेस्टेड। मैं तो हैरान हूं इस चीज को देख के कि लोग हमें बोल रहे हैं कि हमारे जानकार थे, हमने ले लिया है और बाद में वो चाइनीज फेक स्टोन निकल रहा है। तो अभी एक लास्ट मेरे पास सज्जन आए थे ऑफिस में, उन्होंने मेरे को बताया कि मैंने मूंगा ले लिया है, आप इसे देखिए, चेक करिए। तो मैंने कहा जब आपने ले ही लिया है, लैब होगा साथ में? बोले नहीं, आप इसे एक बार चेक कर लीजिए। तो आप इस चीज को समझ के चलिएगा कि एक तो उन्होंने सर्टिफिकेट नहीं लिया उसका, सेकेंडली जब मैंने उसको चेक करवाया तो वो चाइनीज निकला और इतना ओरिजिनल लग रहा था कि जैसे वो जैपनीज मूंगा ही हो। तो बात घूम फिर के वहीं पे आके खड़ी हो जाती है कि अगर दोस्तों आप पैसे पे कर रहे हैं एक बहुत अच्छी फिगर, तो डेफिनेटली चीज भी आपको अच्छी मिलनी चाहिए। यह नहीं है कि चलती फिरती आप कोई भी स्टोन लेके उसे धारण कर लीजिए, उसका फायदा नहीं है। अगर वो 10 साल मेरे पास ना आते तो जाहिर सी बात है वो उसी डाल के घूमते रहते और बोलते कि हाँ मैंने डाल लिया है लेकिन रिजल्ट नहीं आया। अब रिजल्ट ना आने की वजह से एस्ट्रोलॉजी के ऊपर से उनका फेथ उड़ जाएगा। तो इस चीज को आप समझ के चलिएगा। इसके और क्या क्या फायदे हैं वो भी मैं आपको बता देना चाह रहा हूं। मंगल साहस, स्ट्रेंथ, एनर्जी, इन सब चीजों के साथ इसे जोड़ा जाता है। अगर आप स्पोर्ट्स में जाना चाह रहे हैं, अगर आप डिफेंस में जाना चाह रहे हैं, अगर आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर बनना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली यू गो फॉर मूंगा, मूंगे के साथ चले। मंगल ही ये सारी चीजें आपको देगा। तो दोस्तों, मेरी आपको एडवाइस है, आप कोई भी रत्न धारण करें, लैब टेस्टेड हो, लैब टेस्टेड के साथ उसका जो मेटल है, जैसे मैंने आपको अभी मूंगा दिखाया है राउंड वाला, तो इसका जो मेटल है वो है कॉपर या गोल्ड। कईयों ने तो पंच धातु में से धारण करा हुआ है, पता नहीं भगवान नहीं जाने वो कौन से ऐसे ज्ञानी पुरुष के पास गए जिन्होंने पंच धातु में से धारण करवा दिया है। तो इस चीज को आप पॉजिटिवली लीजिएगा। मैं किसी के बारे में ये नहीं बोल रहा कि मेरा किसी के साथ कोई जाति दुश्मनी है, जब मैं तो सिर्फ ये बोल रहा हूं कि बेचिए ना, कम से कम एक मेटल, एक दिन, एक मुहूर्त के अंदर तो आप उसे धारण करें ताकि आपको फायदा मिले। अब सारी एपिसोडों की तरह मैं इसमें भी कुछ चीजें क्लियर कर देना चाह रहा हूं। इसे धारण करने का दिन है मंगलवार, प्रातः सूर्य उदय से लेके इसे आप 3 बजे तक धारण कर सकते हैं। पूजा करवाए बगैर, शुद्ध करवाए बगैर बिल्कुल भी ना डालिएगा, वरना बेशक आप जितना मर्जी महंगा पत्थर ले लीजिए, उसका कोई फायदा नहीं है। तो दोस्तों, मैं आपको और डेमोस दूंगा, लेकिन ये गोल मूंगा मेरे पास आया था, मैंने इसलिए आपको दिखा दिया है। एक बार फिर से मैं आपको इस चीज को दिखा देना चाह रहा हूं, आप इसे देखिए, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी, सिंदूरी रंग है इसका। अगर आपको ये मेरा एपिसोड पसंद आया है तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, हां इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें,
ताकि डे बाय डे आपको नए अपडेट्स आते रहें। किसी प्रकार का कोई भी आपने भ्रांति, भ्रम या वहम एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड पाल रखा है तो वो सारी चीजें क्लियर हो जाए। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।